to my channel Lifestyle Saga. My name is Manmeet and I make videos around fashion, beauty and travel. तो आज ना मैं जाने वाली हूँ सरोजनी नगर after so long और मैं आज specifically एक चीज explore करने जा रही हूँ जो है वहाँ की ethnic collection. मैंने literally बहुत सुना है वहाँ के ethnic collection के बारे में and I really want to see कि actually मैं वहाँ की collection कैसी है, prices क्या है, what is the fabric, क्वालिटी क्या है उन सब की. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई देम आउट एंड मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ. सो आई एम गोना एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम गोना हैव अ लॉट ऑफ फन. सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुडेज़ वीडियो. तो मैं पहुंच गई हूँ सरोजनी नगर और मैं यहाँ से एकदम स्ट्रेट चली जाऊंगी, यानी कि एकदम सब्जी मंडी लाइन में चली जाऊंगी मैं. इस लाइन में थर्ड शॉप में काफी सारी कुर्तीज दिख गई लेकिन सबका प्राइस थोड़ा हाई था सरोजनी के हिसाब से, 650 रुपीस की थी और कोई बार्गेनिंग का मतलब ही नहीं था. फिर उससे आगे वाली शॉप में हमें ये बहुत सारे क्यूट क्यूट क्वार्ट सेट्स दिखे अलग अलग कलर्स में. मुझे तो ऑनेस्टली इसमें ब्लैक वाला सबसे अच्छा लगा क्योंकि ब्लैक वाले की फिनिशिंग एकदम अच्छी थी, बाकी सब बहुत अनफिनिश्ड और नाइट सूट टाइप लग रहे थे. और ये एक सेट 200 रुपीस का था और अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको 100 रुपीस तक का भी मिल सकता था. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ समर कलेक्शन, यानी कि क्वार्ट सेट्स हो गए, क्रॉप टॉप्स हो गए, कुछ नया नहीं था. अगर आप ये लाइन देखो तो इसमें जो सबसे ऊपर ब्लू वाला क्वार्ट सेट था वो मैं लास्ट टाइम सेम लेके आई थी और ये सेम मुझे हर जगह दिखा. अगेन ये ब्लू वाला क्रॉप टॉप भी मैं लेके आई थी लास्ट टाइम. तो समर कलेक्शन एकदम सेम है जो आज से 3 महीने पहले थी. तो उसी लाइन में थोड़ी आगे मुझे ये शॉप दिखी जहाँ पे बड़े अच्छे सूट सेट्स पड़े हुए थे 1000 से 2000 रुपए की रेंज में. यहाँ आपको लहंगे, शरारे, दुपट्टा, सलवार सूट सब मिल जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस शॉप में ना बिल्कुल भी उन्होंने मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दी तो मैं नहीं बना पाई. ये प्लाजोज आप देख सकते हो, ये प्लाजोज, एक प्लाजो 300 रुपीज की थी. फिर मुझे ये कुर्ती पसंद आई, हल्की सी वीडियो बनाई बट अगेन उन्होंने मेरा कैमरा बंद करा दिया. फिर मैं सब्जी मंडी लाइन से राइट हो गई और ये वॉल दिखेगी आपको राइट होते ही. एंड आई सॉ कि वहां पे विंटर कलेक्शन भी आ गई है, अभी इतने अच्छे से नहीं आई बट स्वेटर्स और ये लॉन्ग कोट्स ये सब आ गए हैं. फिर येलो वॉल से लेफ्ट होते ही आपको ये शॉप दिखेगी जहाँ पे H&M की टी शर्ट्स के ड्यूब्स थे एंड आई रियली लाइक देम. देन उस शॉप के ठीक ऑपोजिट मुझे ये फड़ी दिखी जहाँ पे इतनी सुंदर कुर्तियां थी गाइज एंड इसके प्राइस भी ठीक थे. लाइक वहाँ पे हमें 650 की दिखी और यहाँ पे वही कुर्तियां, इनफैक्ट उससे बेटर क्वालिटी, बेटर फैब्रिक एंड बेटर डिजाइन, ये सब थी रुपीज 350 की. और ये अल्पना शॉप के बिल्कुल ऑपोजिट है तो आपको मिल जाएगी ये आसानी से. इनके पास लाइक एंडलेस कलर अवेलेबल थे एंड फैब्रिक भी बहुत कमाल का था इसलिए ये लोग बार्गेनिंग करने में रेडी ही नहीं थे. मैंने यहाँ से 2-3 कुर्तियाँ ली लेकिन बिल्कुल भी उन्होंने प्राइस कम ही नहीं किया, 350 की एक ही लगाई उन्होंने, 50 रुपये तक कम नहीं किए. इसमें ऑनेस्टली बताऊंगी मैं पूरा सरोजनी घूमी लेकिन इससे अच्छी कुर्तियाँ मुझे कहीं और नहीं दिखी. फिर मैं थोड़े एथनिक बैग्स देखने गई बट एथनिक बैग्स बिल्कुल भी नहीं है, वही पुराने बैग्स हैं इनके पास जो पहले थे समर्स में, कुछ नया नहीं है. फिर मुझे बिक्सी के बिल्कुल ऑपोजिट दिखे ये ब्रेसलेट्स, नजर वाले ब्रेसलेट्स थे, ये आपको 20 रुपीज का एक मिल जाएगा और ये बहुत सारे स्क्रंचीज सिर्फ 10 रुपए के. और ये बहुत टाइनी से इयररिंग्स थे 20 रुपीज के और ये बड़े वाले इयररिंग्स थे 30 रुपीज के, विच इज अ गुड डील. वैसे तो मैं इतने कलेक्शन एक्सप्लोर करने गई थी बट जब जब मैं विंटर कलेक्शन देख रही थी ना मेरे को कुछ हो रहा था, मुझे था कि यार वाओ मुझे लेना है ये. और ये स्कर्ट्स आप देखो, ये बड़ी क्यूट सी विंटर स्कर्ट्स सिर्फ 100 रुपीज में मिल रही थी, विच इज अ ग्रेट डील. ये पोल्का डॉट्स वाली स्कर्ट तो मुझे काफी क्यूट लगी एंड इवन ये रेड वाली और ये मरून वाली भी, मैं इनको बहुत सारे टॉप्स के साथ स्टाइल कर सकती हूँ एंड 100 रुपीज में इज अ ग्रेट डील अगेन. तो अपना गाइस आप दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि ये वाली जो शॉप है ना ये सरोजनी की नंबर 1 शॉप है इन टर्म्स ऑफ विंटर स्कर्ट्स एंड विंटर कलेक्शन. अभी तक आई नहीं है यहाँ पे फुल्ली बट जितनी थी ना आई लव्ड इट. तो ये शॉप नंबर है 155 थी. यहाँ पे मुझे काफी अच्छी ओवरसाइज्ड टी शर्ट्स भी दिखी, शर्ट्स भी दिखी, प्रिंटेड शर्ट्स दिखी, चेक शर्ट्स दिखी, प्लेन व्हाइट शर्ट्स भी दिखी, बहुत कमाल की कलेक्शन थी. और अब अगर हम विंटर कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे लेदर पैंट्स दिखी मुझे 350 की एंड बैगी जीन्स भी मुझे दिखी रुपीज 350 की, जो आपको 200 की भी मिल जाएंगी अगर आप अच्छे से बार्गेन करोगे.
और फिर ना यहाँ पे लाइन से बहुत सारी वुलन स्कर्ट्स थी, लेदर स्कर्ट्स थी, और ये जारा की थी, लाइक लिटरली इन पे टैग लगे हुए थे जारा के, वेरोमोडा के, और मुझे ये सारी इतनी अच्छी लगी, और सारी 200 रुपीज़ की थी, मतलब वो 350 बोल रहे थे लेकिन मैंने 200 रुपीज़ तक में बात कर ली थी। ये पर्पल वाली तो खास तौर से मुझे इतनी पसंद आई कि मैं क्या ही बताऊँ। साइजेस का थोड़ा इशू था बट मेरा ना ध्यान मोस्टली वीडियो में ही था, तो मुझसे एक गलती भी हो गई यहाँ पे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी ऑन कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। और फिर ये मुझे दिखी यहीं पर ही कॉटराय की शर्ट, ये भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, एकदम कमाल का फैब्रिक था इसका भी, ये भी 350 की थी। फिर अगली शॉप में यानी कि शॉप नंबर 156 में मुझे दिखी ये कॉटराय की पैंट्स, जो कि बहुत ही अच्छा फिट था बट साइज बहुत छोटा था इसलिए मैं ले नहीं पाई। ये भी ₹350 की थी बट आप आराम से इसको भी ₹200 में ले सकते हो गाइज। फिर बिक्सी की लाइन में मुझे दिखे ये सूट सेट्स जो ₹200 के थे, यानी कि आपको कलरफुल कुर्ती मिल जाएगी और नीचे व्हाइट प्लाजो, चिकनकारी फॉर्म में बहुत सारे सूट सेट्स थे इनके पास, और सिर्फ चिकनकारी ही नहीं, इनके पास जयपुरी स्टाइल में, राजस्थानी स्टाइल में भी काफ़ी सारे सूट सेट्स थे, पर जो इनकी प्लाजोज थी ना गाइज उसका बिल्कुल भी फैब्रिक इतना खास नहीं था, इवन कुर्ती का फैब्रिक भी इतना अच्छा नहीं था। और गाइज जहाँ जहाँ पे भी वो लोग सूट सेट्स बेच रहे थे ना ₹200 के, उनका फैब्रिक बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो लिटरली ऐसे थे कि एक वॉश के बाद ख़राब ही हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल मत ही लेना, उन्हीं जगह से लेना जो आपको बिल्कुल फैब्रिक एकदम बढ़िया लग रहा है। फिर मुझे ये देखिए ₹200 में बहुत सारी अच्छी एथनिक स्कर्ट्स, बांधनी स्टाइल, जयपुरी स्टाइल और राजस्थानी स्टाइल, ये मुझे स्कर्ट्स काफी सारी दिखी। फिर मैं चली गई थोड़ी सी एथनिक ज्वेलरी एक्सप्लोर करने, जो अगेन बिक्सी की लाइन में ही थी। गाइस बिक्सी की लाइन में ना काफी अच्छी एथनिक ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। तो ये जितनी भी चूड़ियां आप देख रहे हो ना, ये ₹100 की थी, चार का सेट, बहुत ही अच्छी एथेनिक चूड़ियां थी जो आपके इस फेस्टिव सीजन में बहुत सही लगेंगी, एंड ₹100 में तो बिल्कुल ही आपको ले ही लेनी चाहिए। फिर बिक्सी की लाइन में मुझे ये शॉप दिखी जहाँ पे प्लाजोज मिल रही थी, कलरफुल प्लाजोज, हर कलर की प्लाजोज, चिकनकारी प्लाजोज, कॉटन प्लाजो, और इतना अच्छा फैब्रिक था, और ये मुझे एक मिली ₹200 की। फिर मुझे ये शॉप दिखी जहाँ पे एथनिक और फंकी इयररिंग्स थे, बट ये थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे थे, ये ₹600 ₹700 के थे और बार्गेनिंग करने को बिल्कुल रेडी नहीं थे ये लोग, बट इनके पास कलेक्शन भी ऐसी थी जो और कहीं नहीं थी। फिर बिक्सी की लाइन में ही थोड़ा आगे जाके मुझे ये शॉप दिखी परफेक्ट हाउस फुटवेयर, यहाँ पे काफी अच्छी एथनिक फुटवेयर थी, हील्स थी जो कि आपकी एथनिक में भी और नॉर्मल वेयर में भी डल जाएंगी। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी इनका प्राइस, ये सारी ₹250 की मिल रही थी, नहीं तो ये इतनी सस्ती नहीं मिलती, तो मुझे यहाँ पे एथनिक और नॉर्मल फुटवेयर भी सही लगी। देन उसी फुटवेयर शॉप के बाहर मुझे ये फड़ी दिखी जहाँ पे एथनिक स्कर्ट्स थी, लहंगे भी थे यहाँ तो प्रॉपर, और सब ₹200 में था, लेकिन इनमें साइज बहुत ही छोटा था, इनफैक्ट लेंथ भी मुझे लहंगे की बहुत शॉर्ट लग रही थी। फिर मुझे ये बैग्स की शॉप दिखी शॉप नंबर 362, यहाँ बैग्स की कलेक्शन जेन्युइनली बहुत अच्छी थी, और ये ग्रीन और येलो वाले बैग पे तो मेरा दिल आ गया था गाइज। ये बैग 700 का मिल रहा था और सरोजनी के हिसाब से मुझे प्राइस एक्सपेंसिव लगा इसलिए मैंने नहीं लिया। एंड देन बैगेट कैप्स आजकल बहुत चल रही है तो यहाँ पे भी आपको काफी कलर्स में मिल जाएंगी। मैं मजनू डला से 150 रुपीज की लेके आई थी और यहाँ पे 300 और 250 की मिल रही थी। और गाइज मैं ना सरोजनी मंडे को गई थी, लोग कहते हैं कि मंडे को वहाँ बंद होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मंडे को पूरी मार्केट खुली होती है, इट्स जस्ट कि वो लोग कह रहे थे कि मंडे को ना नया माल आता नहीं है और सारा माल जो उनका होता है वो पूरे हफ्ते में बिक जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मंडे को मत ही जाना। आप कॉमेंट्स में बताओ कि आपको कलेक्शन कैसी लगी। आई गेट बैक टू यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद द सरोजनी हॉल, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।